हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर के करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से कोई भी क्लासेस नहीं जा पा रही है, ना तो व्यूवर्स देख पा रहे हैं वीडियो को, ना ही क्लासेस अपलोड हो पा रही हैं। तो अभी इंटरनेट आज चालू हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज 21 दिसंबर, इसके बाद 22 एंड 23 दिसंबर के भी करंट अफेयर हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स आपको 4 to 5 आवर में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए या फिर इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो बात करेंगे हम लोग कल के पूछे गए क्वेश्चन पे, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 नए अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी अभी 31 अक्टूबर को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। फिलहाल 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब इन दोनों में कहाँ पे 2 नए अभ्यारण बनाए जाएंगे, तो लद्दाख में 2 नए अभ्यारण बनाए जाएंगे। अच्छा, लद्दाख में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर हैं यहाँ के उपराज्यपाल। अब ये जो लद्दाख में 2 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, ये कौन से क्षेत्र में, तो कारगिल के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, ताकि हिमालय के वनों में भूरे भालुओं से उत्पन्न खतरों से भलीभांति निपटा जा चुके, याद रखिएगा। अगला है हमारा फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज़ की सूची में किसे पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे पहला स्थान मिला है किसे, विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर हैं। इनको 252.72 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इन्होंने सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट रैंक हासिल किया है। विराट कोहली के बाद सेकेंड नंबर पे हैं अक्षय कुमार और थर्ड नंबर पे है सलमान खान। जबकि अगर हम लोग हीरोइंस की बात करें तो आलिया भट्ट टॉप 10 में स्थान बनाते हुए इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया और दीपिका पदुकोण 10वें स्थान पे है। ओके, अगला हमारा, देश में पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे पहले इसका मोटिव मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, बहुत ही तेज़ी से पोल्यूशन फैल रहा है, और आपको पता है कि पोल्यूशन अगर फैल रहा है तो किसी एक इंसान का नहीं, सबका नुकसान है। अब गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करे तो करे कैसे, तो इसके लिए तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। जैसे ये है कि देश का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल की बात कर रहे हैं, इसको खोला गया है कहाँ पे, तमिलनाडु में खोला गया है। ठीक, अब अपशिष्ट मतलब क्या होता है, कचरा होता है, तो कचरे का लेन देन किया जाएगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक, ऑनलाइन इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे दिल्ली में आपका 7 Wonders एक बना है, वो भी किससे बना है, कचरे से बना था। ठीक, एक 7 Wonder Park बना है, किससे, वेस्ट टू वंडर पार्क का नाम रखा गया दिल्ली में, कचरे से बना है, इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी पढ़ाया था। इसके अलावा पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे बना है, भोपाल में। पहला ई कचरा कैफे, सॉरी कचरा कैफे कहाँ पे बना है, तो छत्तीसगढ़, मतलब यहाँ पे कोई कचरा लेके जाएगा तो क्या होगा, उसको खाना मिलेगा। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, वो भी अपने यहाँ के नागरिकों से कचरा खरीदेगी और बदले में उनको पैसे देगी। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश का सबसे बड़ा चरखा कहाँ पे है, नोएडा में। इसके बाद है कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा है, दिल्ली मेट्रो। इसी तरह असम में एक अभियान चलाया गया है कि कचरा ला के देने पर उन्हें क्या दिया जाएगा, एक पेड़ दिया जाएगा। तो देखा जाए इन सब का उद्देश्य एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को कम किया जाए, क्योंकि प्रदूषण सभी के लिए नुकसानदायक है। अगला हमारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस महिला वैज्ञानिक के नाम पर सेक्सटन्स नक्षत्र में एक तारे का नाम रखा है। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, विभा नाम है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब देख लेते हैं, इस नक्षत्र में एक सफ़ेद पीले तारे का नाम क्या रखा गया है, विभा। भारतीय महिला वैज्ञानिक है विभा चौधरी, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। विभा चौधरी एक उप परमाणु कड़ पाई निशान की खोज किया है इन्होंने,
परमाणु कण की खोज किसने किया है, तो जॉन डाल्टन ने किया है। और बाकी इसका ट्रिक तो आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, जे जे टॉम्सन ने। और उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, चैडविक ने किया है। ठीक, इंटर तक हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा है। चलिए अगला है हमारा, किस शहर ने पहले ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मेजबानी किया, सॉरी क्या होगा, ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मेजबानी किसने किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मेजबानी। पहली बार ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहाँ पे आयोजित किया गया, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा स्विट्जरलैंड सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न है। एंड स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है, यह देश बिना राजधानी के है। अगर हम लोग बात करें तो आधिकारिक रूप से स्विट्जरलैंड को किसी भी शहर को राजधानी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार में रहने वाला स्टैंड हॉक क्या है, स्टैंड हॉक जो कि एक चर्चित शब्द है, ये है क्या, तो ये एक एंड्रॉयड बग है। क्या है, एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड को डिफेक्ट कर देता है, ये बग है एक। ठीक है, बग बोले तो आप एक वायरस समझ सकते हैं इसको। ठीक, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्टैंड हॉग नामक बग के लिए चेतावनी दिया है। यह बग वास्तविक समय में मालवेयर एप्लीकेशन को वास्तविक एप्लीकेशन के रूप में पोच करने की अनुमति देता है। इस प्रकार उपयोगकर्ता के सभी निजी डेटा उस तक उसकी पहुँच संभव हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे, तो मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर को इस समय जो थल सेना अध्यक्ष है विपिन रावत, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, उन्होंने उनका कार्यकाल समाप्त होगा वो, और इसके बाद कौन बनेंगे, मनोज मुकुंद नरवाने बनेंगे अगले थल सेना अध्यक्ष। इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो RKS भदौरिया है वायुसेना अध्यक्ष। और जल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे, तो ये है करमवीर सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है हमारे, करमवीर सिंह है हमारे नौसेना अध्यक्ष। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में किस नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है, ये कौन सी नदी पर है, ये है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। अगला हमारा, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किया है, तो यहाँ पे गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किसने किया, पुर्तगाल ने। अच्छा, पुर्तगाल आया है और दिसंबर का महीना चल रहा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और वही सबसे पहले सबसे लास्ट में जाते हैं दिसंबर में, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल में, अंतोनियो कोस्टा ने कहा कि गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। ठीक, इसमें महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनके विचारों और उद्धरणों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की इन्होंने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च हुआ है, तो बहुत ही फेमस बुक इन्होंने लिखा था, क्या, एग्जाम वॉरियर्स। इंपॉर्टेंट था एग्जाम में जो टेंशन होती है उसके लिए। और यहाँ पे ब्रेल क्या होता है, तो आपको पता है नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने के लिए कि कोई भी जो बुक होता है उसका ब्रेल संस्करण लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उसमें डॉट बने रहते हैं और उसी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगला हमारा, किस राज्य में मौजूद शबरूम नामक स्थान पर इस राज्य का पहला सिज विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने की घोषणा किया गया है, तो ये है हमारा त्रिपुरा, जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। तो त्रिपुरा ऐसा पहला देश है जहाँ पे वहाँ का पहला सिज बना है। चटगांव बंदरगाह के करीब होने तथा दक्षिणी त्रिपुरा में फेनी नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल की वजह से सबरूम में बन रहे सिज में निजी निवेश के अवसर भी बनेंगे, याद रखिएगा।
अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो देखते हैं सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किए गए किस अभियान की डेडलाइन को बढ़ा करके मार्च 2020 कर दिया गया है। तो ये है सुगम्य भारत। अगला हमारा आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे चुना गया है, तो एलिस पेरी। एलिस पेरी कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर हमारा दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 किसने जीता है, अमिताभ बागची ने जीता है। ठीक, अगला हमारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। नेक्स्ट हमारा हिंदी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है, नंद किशोर आचार्य को चुना गया है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में शशि थरूर जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनको चुना गया है। फिर हमारा दुनिया का पहला पुरुष गर्भनिरोधक टीका किस देश द्वारा तैयार किया गया, तो भारत के द्वारा। अगला हमारा अंटार्कटिक आइस मैराथन को कंप्लीट करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो रॉय जॉर्जन बन गए हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने साल 2020 में दुनिया का पहला तेल मुक्त देश बनाने का दावा किया है, स्वीडन। उसके बाद हमारा किस राज्य में तीन राजधानी बनाने का संकेत दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी बनाने का संकेत दिया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टाइफाइड का नया टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।